नारा चोपड़ा को खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए अप्रोच कर लिया गया है। और तो और मनारा चोपड़ा की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि अभी तक भी जो है अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी को इस सीज़न के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। आखिरकार क्यों नहीं किया गया है? एक तो बात हम लोग करते हैं अभिषेक कुमार की। अभिषेक कुमार और मनारा इस वक्त चंडीगढ़ में साथ में है, शूटिंग कर रही हैं, जिसकी लगातार अपडेट जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और उसी बीच में जो है क्लोस्ट्रोफोबिक है अभिषेक कुमार, ये लिफ्ट से नहीं जा सकते, हाइट से नीचे नहीं देख सकते, एक रूम में जो है फ्लाइट में नहीं जा सकते, रूम में बंद नहीं हो सकते, डोर नहीं लगा सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये इस खतरों के खिलाड़ी में वो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्टंट जो है दिए जाते हैं, जो कि अंदर अंधेरे में जाना है, अंदर बंद रहना है, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसके चलते हुए इनको अप्रोच ही नहीं किया जा रहा है। अब रही बात मुनव्वर की, मुनव्वर फारूकी को पहले अप्रोच किया गया था। मुनव्वर फारूकी ने यस भी बोला था, वो इवन पार्टी तक भी पहुंचे थे, जो कि जाने से पहले सब कंटेस्टेंट ने पार्टी की थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी खतरों के खिलाड़ी की, वहां पर भी पहुंचे थे, पर कुछ वीज़ा के चलते हुए उनको रोक लगा दिया गया, जिसके कारण मुनव्वर फारूकी जो है खतरों के खिलाड़ी में पहले जा नहीं पाए। पर अब तक मुनव्वर फारूकी को कोई भी अप्रोच उनकी टीम से किसी ने भी अभी तक नहीं किया है, पर मनारा चोपड़ा को अप्रोच किया गया है। मनारा चोपड़ा तो को होस्ट करना चाहती है, पर मनारा चोपड़ा को एज अ कंटेस्टेंट अप्रोच किया गया है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मनारा की मम्मी जी जो है सब चीज़ें संभालती हैं। हो सकता है कि सलमान खान की बात को थोड़ा सीरियस भी लिया हो और इन्होंने कोई PR वगैरह रखा हो, जो कि अच्छा है, जो कि मनारा को एटलीस्ट आगे काम दिलाए, जो कि मनारा जो 3-4 साल पीछे है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़े। PR होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इन्होंने जो है इंटरेस्ट दिखाया है। देखेंगे कि आखिरकार मनारा चोपड़ा अब यस करेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन नहीं हुए हैं, अप्रोच किया गया है, कन्फर्मेशन जो है उनकी तरफ से अभी आनी बाकी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।